इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में देश को पहचान दिलाने वाले डॉक्टर नंदलाल सिन्हा की जयंती के अवसर पर इंदौर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंपस में राष्ट्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 डॉक्टरों का सिन्हा अवार्ड से सम्मान किया गया। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस मनाया गया। इस पैथी को देश में पहचान दिलाने वाले डॉक्टर नंदलाल सिन्हा की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले इस दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देश के अलग अलग राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से उपचार कर रहे डॉक्टर शामिल हुए। डॉक्टर सिन्हा की जयंती के अवसर पर आयोजित की गई इस कार्यशाला में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर पिछले कुछ वर्षों में की जा रही रिसर्च पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही इस पैथी के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाने पर भी चर्चा की गई। देश के अलग अलग राज्यों से आए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर्स में से 5 डॉक्टर्स को सिन्हा अवार्ड के लिए चुना गया। चुने हुए डॉक्टर्स इस पैथी में उपचार कर मरीजों को बेहतर परिणाम दे रहे हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर इंदौर द्वारा नेशनल इलेक्ट्रोपैथी डे जो इंडिया के अंदर जिसने इलेक्ट्रोपैथी को स्थापित किया डॉक्टर नंदलाल सिन्हा का 133 हम बर्थडे मना रहे हैं और इस बर्थडे के अवसर पर हम देश भर से लगभग 150 इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक आए हुए हैं जिनको से हम 5 डॉक्टर को हम चयनित करके इनको अनिल सिन्हा सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर हर बीमारी का इलाज संभव है। हाँ देखिए, ये जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स आए हुए हैं ये अपने क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कोई स्किन पे काम करता है, कोई अस्थमा पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग कैंसर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रेन डिसीज पे काम कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने रिजल्ट प्राप्त किए हैं और उसी को देखते हुए उसको मोटिवेशनल हम ये कहें कि वो दोबारा से पूरे देश के अंदर मरीजों को अच्छी सेवा कर सकें, तो इसलिए हम उनको सम्मान दे रहे हैं। अस्पताल की सीईओ मनीषा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से देवी अहिल्या अस्पताल कैंसर के मरीजों के लिए आशा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से उनका उपचार किया जा रहा है। देखिए, हम लोग जो परिणाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में देख रहे हैं, जब एलोपैथी से पेशेंट निराश हो जाता है, जब कैंसर पेशेंट सारा एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लेता है और देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एक होप की तरह, एक आशा की किरण की तरह उनको नज़र आता है, तब वो हमारे पास आते हैं। क्योंकि एलोपैथी में तो एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। कीमो रेडिएशन के बाद उनके पास कोई ट्रीटमेंट बचता नहीं है और वो बोल देते हैं कि आप घर ले जाके सेवा करिए। तो पेशेंट अगर तड़प रहा है और घर वाले परेशान हैं तो वो कोई ना कोई ट्रीटमेंट देखते हैं और जब वो सर्च करते हैं तो उनको देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर नज़र आता है। और जब वो हमारे पास आते हैं तो एक होप के साथ आते हैं और वो होप जो ईश्वर से हमें भी मिली है और एक ईश्वर ने उन्हें हमारे पास भेजा है, और वो होप के साथ जब आते हैं और हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम बेहतर परिणाम देते हैं उनको, पेशेंट्स को राहत देते हैं। अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर आशीष राय के अनुसार एलोपैथी में उपचार के बाद भी जब मरीजों को आराम नहीं मिलता है तो वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से उपचार के लिए आते हैं। इस पैथी में बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। मेरे पिताजी जो हैं डॉक्टर अजय हाड़िया जी, जो यहाँ के चेयरपर्सन भी हैं, ये पिछले 35 वर्षों से इलेक्ट्रोपैथी का इलाज कर रहे हैं। 2003 से हमने एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और हमने इलेक्ट्रोपैथी पे काम करना शुरू किया था। मैंने अपने MBBS कंप्लीट करने के बाद जब हमने देखा कि जो मरीज़ का जो रिस्पांस हमें है वो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोपैथी में मिल रहा है, जो कैंसर मरीज़ हैं या किडनी मरीज़ हैं, तो हमें बहुत हद तक और बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स है। मैं कंपेयर करूँ अदर पैथीज़ के थ्रू जो हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि इसमें और आगे मैं बढ़ूँ और हमारे संस्थान को और आगे बढ़ूँ। रिसर्च वर्क में बिल्कुल सर, रिसर्च कैंसर पे लेकर के भी और किडनी डिजीज़ पर भी, ऐसी डिजीज़ेज जो कहते हैं कि जो होपलेस होती हैं, जिनमें इलाज नहीं है, उन उस वैसी बीमारियों को हम इलेक्ट्रोपैथी से बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। कार्यशाला के दौरान क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीएमआर न्यूज़।